कारवां टीवी हर पल आपके साथ। वृद्धा से दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने दबोचा। बरेली में 85 साल की वृद्धा से हैवानियत का मामला सामने आया है। 35 साल के युवक ने सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर वृद्धा से दुष्कर्म किया। वारदात के एक घंटे बाद वृद्धा की मौत हो गई। मृतका की बहू ने आरोपी को देख लिया, जिससे वह मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का आदी है। हैवानियत का मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वृद्धा अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति और बेटे की मौत हो चुकी है। पड़ोस में महिला के भाई और भाभी रहते हैं, उन्हीं के साथ उसकी बहू रहती है। वृद्धा की बहू के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे वह किसी काम से घर गई थी। घर का दरवाजा बंद था, उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। मोहल्ले का एक युवक वृद्ध सास से दुष्कर्म कर रहा था। वृद्धा की बहू ने शोर मचाया तो आरोपी युवक कमरे में रखी चादर बांधकर फरार हो गया। उसका लोअर और चप्पलें कमरे में छूट गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच पीड़ित वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उधर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में आला अधिकारियों ने कहा, आरोपी युवक अत्यधिक शराब का सेवन करता है। वृद्धा के शव को पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखा गया है। आरोपी हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। घर में घुसने की पुष्टि हुई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डवानसारी की रिपोर्ट। आज दिनांक 29/7/24 को कस्बा सेंट्रल से थाना हाफिजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक 85 वर्षीय वृद्धा निवासिनी सेंथल थाना हाफिजगंज के साथ गांव के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य अधिकारीगणों ने मौके का मुआयना किया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की गई है। मृतका की भाभी की तहरीर पर सुसंगत थानाओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नामजद व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ कर दी है और शीघ्र ही इस प्रकरण में संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।